दोस्तों आज मैं बताऊँ कि कैसे आप अपने मोबाइल पे मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, उसे आप कैसे डबल अकाउंट खोल सकते हैं एक ही मोबाइल पे। तो देखिए ये कैसे करते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का नाम है पार्लर स्पेस। अभी ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ये अपडेट पूछ रहा है, अपडेट करने की कोई ज़रूरत भी इतनी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम खोलते हैं अभी जाके हमारे मेनू में। तो यहाँ पे जाके पार्लर स्पेस ऐसे खोलते हैं, ठीक है। अभी देखो एक लॉक आइकन आ रहा है, ये मैंने पहले से सिक्योरिटी एनेबल करके रखा है, आप भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, करना हो पड़ता है बाद में इंस्टॉल करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे अकाउंट्स डबल बना के रखे हैं पहले से, इंस्टाग्राम हो गया, क्रोम हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक मैसेंजर रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपना यहाँ पे ऐड ऐप जो लिखा रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऐड ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख देख सकते हैं आप, ये पहले से टिक होके आ जाएगा बहुत सारे, आपको अनटिक करना है। ऐड ऐप कर देंगे तो डायरेक्टली ये सभी ऐप क्लोन हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको जो चाहिए वही कीजिए, अनटिक बाकी सब कर दीजिए। अभी व्हाट्सअप है टिक होके तो व्हाट्सअप को रहने दीजिए, ठीक है। अभी लिखा है नीचे ऐड टू पर्सनल स्पेस, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी हो चुका है, व्हाट्सएप भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ से ओपन करेंगे, एक ऐड आता है ऐसे यहाँ पे। अभी ओपन करेंगे तो फिर से एक नया व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा, उसका इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद एग्री कंटिन्यू करके आप फिर से एक नया वाला व्हाट्सएप नंबर डाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं एक ही मोबाइल पे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।